Namaskar. Today we are at the AIFACS gallery, Rafi Mark. Hamare saath artist hain JUHI SHUKLA, jo ki Prayagraj, Allahabad se aayi hui hain. Inka ye solo show chal raha hai, Dancing Kites with Supermoon. Ye pehle Dancing Kites in Kumbh कर चुकी हैं 2013 में उज्जैन में कालिदास जो हाँ जी तो आप बताइए प्लीज ओवर टू यू ये इस बार जो मेरी पेंटिंग्स हैं वो डिफरेंट हैं वो मून के साथ है और लेकिन ये सुतार साहब को तो इसमें सूरज के साथ जाती हुई पतंगे भी दिखी हैं क्योंकि रंग है तो सूरज तो हम सबके साथ है ही तो लेकिन ये है कि यहाँ जो मेरा जो मकसद है बताने का वो ये है कि हम जो जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं हम लोग पतंग हैं और जो हम लोग का एक लक्ष्य होता है मून तो पतंगे तो यस पहुंचना चाह रहे हैं जी 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 पतंगों का जीवन तो बहुत क्षणिक होता है वो थोड़ी दूर उड़ती हैं चली जाती हैं वही उनका जीवन है लेकिन लक्ष्य जो है वो एक होता है कि ऊँचे जाना और ऊंचाई पे जाने का मतलब जो मेरा लक्ष्य है वो ये है मानवता का हमारा हम एक दिन आते हैं चले जाते हैं लेकिन लक्ष्य जो है वो निश्चित होता है हमारे बाद भी वो लक्ष्य चलता रहता है जैसे चंद्रयान पे जाने की बात थी तो पहले भी लोगों ने जाना चाहा आज भी जाना चाहते हैं और आगे आने वाले समय में भी लोग जाएंगे अपने अपने तरीके से अभी तो बुकिंग नासा ने बुकिंग कर दी है लोगों को लेके जा रहे हैं जी बिल्कुल बिल्कुल तो मैं एक कलाकार हूँ तो मैंने इस तरीके से अपनी ख्वाहिश जाहिर की है और एस्ट्रोफिजिक्स मुझे अच्छा लगता है लेकिन मैं वो साइंस को यहाँ नहीं लाना चाहती मेरा अपना चांद है आप अपना कला थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा जी आपको ये रुचि आपके कब किस उम्र में आपने पेंटिंग शुरू करी और आपके कौन गुरु हैं अगर आप ऐसा कुछ शेयर करना चाहें दर्शकों से मुझे नहीं मालूम मैंने कब से चित्र बनाना शुरू किया लेकिन मैं बचपन में मेरा एक सर्टिफिकेट टंगा होता था 1 क्लास में मुझे पेंटिंग में मिला था वो मेरी मम्मा ने सहेज के रखा था और फिर मम्मा के बॉक्स में मुझे बहुत सारी अपने बचपन की छोटी छोटी चिड़िया और ये सब चीज़ें दिखी तो सब तारीफ करते थे तो मुझे लगा मैं पेंटिंग अच्छा करती हूँ और मुझे किसी को देखती थी तो मुझे भीतर से बनाने का मन करता था और अमिताभ बच्चन वगैरह का मैं दीवार पे बना दिया करती थी तो उससे क्या हुआ कि नहीं ब्लैक एंड वाइट हाँ हाँ तो वो डांट भी पड़ती थी मार भी खाई मैंने दीवारें गंदी करने के लिए लेकिन ये था कि करती थी फिर ये हुआ कि सब ने कहा कि नहीं आपको पेंटिंग में जाना चाहिए फाइन आर्ट में कुछ करना चाहिए तो फिर मैंने एज ए सब्जेक्ट पेंटिंग को अपने साथ हमेशा रखा और मैंने फिर किसी और तरफ दिमाग नहीं लगाया मेरी फॉर्मल एजुकेशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से यही पेंटिंग हाँ पेंटिंग में इसी में मैंने डीफिल भी किया है 2002 में और इसी में मैंने नेट क्वालिफाई करा है मुझे जॉब भी मिल गई तो नाउ आई एम एसोसिएट प्रोफेसर इन पेंटिंग डिपार्टमेंट एंड हेड आल्सो एक्सीलेंट बहुत बढ़िया तो लेकिन ये है कि वो मैं बच्चों को सिखाती हूँ बच्चों के साथ काम करती हूँ और जब मुझे वक्त मिलता है तो मैं अपने लिए भी काम करती हूँ अभी हम लोग देख रहे हैं गैलरी में जी आपकी थीम है आज की यस यस पेंटिंग डांसिंग काइट्स सुपर मून लेकिन आप बोल रही कि जो इस अभी चित्र हमारे पीछे है यस यस जो कि डिफरेंट चीज नहीं इसमें मून तो है ये डिफरेंट थोड़ा सा टेक्निक में डिफरेंट है थोड़ा सा डिफरेंट है ये दिस इज पार्ट ऑफ योर कलेक्शन यस दिस इज ये आपने बताया कि हाँ यस ये बिक चुका है ये बिक चुका है एक्सीलेंट तो कोई दिल्ली में किसी ने हाँ एक बच्ची है जिसको ये पसंद आ गई है तो मैंने उसे बहुत रीजनेबल रेट पे कि वो हाँ उनसे वैल्यू शेयर करना चाहे जी कोई तो बता सकते हैं कितने की वैल्यू रीजनेबल नहीं इसका मैंने कुछ नहीं लिया सिर्फ फ्रेमिंग चार्जेस लिए हैं मैंने लेकिन उसके लिए मैंने रिजर्व कर दिया है क्योंकि मेरा जो मोटो है वो ह्यूमन बीइंग के साथ में है मैं मनी के साथ इतना नहीं जाना चाह रही हूँ क्योंकि जो खर्च हम करते हैं वो नहीं मिल सकता जो समय मैंने दिया है उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो मैं इससे ये बेहतर होगा कि अगर कोई प्रेम से ले जा रहा है तो वो रखेगा लेकिन एक टोकन अमाउंट होने से ये होता है कि व्यक्ति को होता है कि हाँ ये मैंने कहीं कुछ खर्च किया तो शायद कुछ दिन वो सहेज लेगा ठीक कह रही हैं जाते जाते हम लोग आपसे कल विजयदशमी का त्यौहार था जी 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 उसके लिए आप कुछ अपने आर्टिस्ट भाव जो रखें अच्छा देशवासियों को बिल्कुल देश में भी अब दशहरा मनाया जा रहा है नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इसमें जो हमारे रंग हैं वो जो चीज़ें हैं इसमें देखिए कुछ हमने ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग्स भी बनाई हैं तो
तो वो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी को भी बताती हैं, लेकिन उसके साथ जो है हमें दशहरे का पर्व हम मनाते हैं तो हम विजय दशमी मतलब विजय को ही याद रखते हैं। तो रंगों के माध्यम से मैं फेस्टिव माहौल भी क्रिएट करना चाह रही थी, तो मुझे लगा कि ये कलरफुल जो मेरा वर्क है वो इस माहौल में अच्छा रहेगा। अभी और आपकी एग्जीबिशन कल इस जी हाँ ये हाँ आईफैक्स गैलरी में कल ये है, उसके बाद ये भारत कला भवन में वाराणसी में जो है में हाँ क्या उसकी प्लानिंग हम कर रहे हैं, उसकी डेट अभी फिक्स नहीं हुई है। यस तो हम लोग आग्रह करेंगे कि वो लोग इस चैनल के माध्यम से जी अपडेट पाएं। बिल्कुल मैं बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगी आप लोगों को। और यहाँ दिल्ली आके मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं दिल्ली वालों का शुक्रिया करना चाहूँगी, आपका भी शुक्रिया करना चाहूँगी। लोगों को पेंटिंग पसंद बहुत आ रही है, और हमारे चीफ गेस्ट सर जो नीरेंद्र सेन गुप्ता प्रोफेसर आर्ट कॉलेज के थे वो आए थे, वो आज दोबारा फिर आए पेंटिंग देखने के लिए, तो और मुझे कुछ सजेशंस भी दे करके गए हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दिल्ली शहर मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल्ली के लोग बहुत अच्छे लगे, ललित कला एकेडमी, आईफैक्स, पूरा परिवार, ये सुतार सर का बहुत अच्छा वो रहा है, सुतार सर के संग एक दिन पूरा मैंने बिताया, उन्होंने मुझे पेंटिंग्स के बारे में बताया, तो ये हम्बल ये जब इतने महान लोग इतने पोलाइट होके मेरे संग, ये मेरी उपलब्धि है, पेंटिंग बिके ना बिके इट डजेंट मैटर मुझे। जो गैलरी है ये काफ़ी पुरानी गैलरी जी 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 मेरे ख्याल से 1932 की एस्टैब्लिश है ये, हाँ, और इसका एक अलग ही मुकाम है आर्टिस्ट के लिए। जी बिल्कुल, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, विराट गैलरी है तो आईफैक्स गैलरी जी, क्योंकि लोगों का आजकल कला से रुझान हट के मोबाइल पे टिक गया है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी लोग आए और मैं सबको पूरी तरह से अटेंड भी नहीं कर पा रही हूँ, काफ़ी लोग आ रहे हैं। टीचिंग आल्सो टू आर्ट, आपके स्टूडेंट्स yes, को आर्ट पढ़ा, मैं पेंटिंग पढ़ाती भी हूँ, पेंटिंग करती भी हूँ और पेंटिंग जीती भी हूँ। ओके एक्सेलेंट, धन्यवाद, हाँ शुक्रिया, थैंक यू सो मच।